जय हिंद दोस्तों, रन बिट टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग सीखेंगे माध्यिका, यानी माध्यिका कैसे निकालें हम, उसका बहुत ही सरल तरीका आप लोग सीखने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मैथ का प्रतिदिन, मैथ और इंग्लिश का प्रतिदिन वीडियो मिलता है, जो हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज सीख लेते हैं हम लोग माध्यिका का निकालना। तो देखिए, हमने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए हमने पहले ही ऐसा किया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके 60 से 70 तक। फिर बारंबारता इसका देखिए, 5, 4, 3, 6, 2, 3, 7, ये दोनों चीज़ें हमको दी गई रहेंगी, मतलब ये हमें प्राप्त रहेगा सवाल से ही, क्वेश्चन से ही, ये दोनों चीज़ें हमको मिलेंगी। इसके बाद हमको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता मीन्स आप लोग समझ लीजिए कि जो बारंबारता होता है उसी का एडिशन होता है सब कुछ। जैसे 5 है, पहले का 5 लिखेंगे, 5 में अगला जोड़ देंगे, 5, 4, 9, 9 में फिर 3 जोड़ देंगे, 12, 12 में 6 जोड़ देंगे, 18, 18 में 2 जोड़े, 20 हुआ, 20 में 3, 23, और 23 में 7 जोड़े, 30 हुआ। ये हमारा संचयी बारंबारता हो गया। क्या हुआ? संचयी बारंबारता। अब देखिए, हम इसको जोड़ेंगे, ये जो संचयी बारंबारता हुई कितना आया, 30। अब 30 का ये हमारा यन है, अब हम यन बाई 2 निकाल लेंगे। यन बाई 2 का मतलब हो गया जितनी संख्या है उसका आधा, जितनी संख्या है, संख्या कितनी आई, 30, 30 का आधा करेंगे तो कितना आया, 15, क्योंकि हमें जो जो फार्मूले में लगना। अब ये 15 जो आया, इस 15 को हम देखेंगे कि कौन से संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये 15 हमारा आ सकता है। जैसे 15 आ गया, अब इस 15 को हम इसमें देखेंगे किसके अंदर आएगा, 12 के अंदर तो आएगा नहीं, 9 के अंदर 15 तो आएगा नहीं, आएगा किसके अंदर, 18 के अंदर। तो ये जो 18 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, इसको बोलेंगे माध्यिका वर्ग। ये पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये माध्यिका वर्ग है। अब देखिए क्या करना है, इसमें से इसके ऊपर, माध्यिका वर्ग के ऊपर जो अंक मिलेगा वो कैपिटल एफ से इसको निर्देशित करेंगे हम, कैपिटल एफ से। ये कितना है, 12 है। L1 देखिए, जो इसकी माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है उसको L1, और जो उच्च सीमा है उसको L2 लिखते हैं। तो 30 और 40 हो गया, L1 30 और L2 40। अब F देखिए, ये स्मॉल F है, स्मॉल F कौन सा होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग देख रहे हैं, माध्यिका वर्ग यही है, इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है। तो ये स्मॉल F हो गया। अब देखिए माध्यिका का सूत्र, ये है माध्यिका का फार्मूला, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा स्मॉल F, फिर ब्रैकेट में N बाई 2 माइनस कैपिटल F। इसी पे हम रखेंगे और हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, मतलब माध्यिका हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, L1 कितना है, 30 है, तो 30 लिखेंगे, प्लस L2 कितना है, 40, 40 माइनस 30, L1 30 है फिर लिखेंगे, और F स्मॉल F, स्मॉल F देख रहे हैं कितना है, 6, और ब्रेकेट में लिखना है N बाई 2 माइनस F, तो N बाई 2 कितना आया, 15, 15 माइनस F, कैपिटल F कितना आया हमारा, 12। देखिए सब कुछ रखना है, फार्मूले सीधा सीधा आप रखेंगे, आपको प्राप्त होता चला जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 10, 40 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये 30 रहेगा आपका, प्लस 10 बटा कितना, 6, गुणे कितना, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 3 से अब हम काट सकते हैं, 3 दुनाई 6, 3 दुनी कितना हो गया, 6, और 2 से इसको काट सकते हैं, कितना आया, 5। बस कुछ नहीं, आ गया आपका आंसर 30 प्लस कितना हुआ, 5 बराबर 35। आप देखिए कितने सरल ढंग से, बहुत आसान ढंग से आप लोगों ने उत्तर पा लिया, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये पेपर में आपको जरूर पूछा जाएगा, कक्षा 10 में, 12 में, आगे चल करके भी हर परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है। तो इसको जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों को हम ये वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।